This is the future. So guys, कैसे हो? अब यार इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई इस बार BGMI को अनबैन कराने के लिए भाई जियो गेम्स ही हाथ आगे करने वाला है। एंड उसी के अलावा एक और साइड से अपन को कंफर्मेशन देखने को मिली है कि भाई साहब यहाँ पे BGMI यहाँ तक आ सकता है। भाई मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ साथ गाइस अभी IDs वगैरह बैन हो रही है तो इसका क्या सीन है और आपको अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है। गाइस आपको पता तो होगा अगर डेटा ट्रांसफर होता है तो भाई बैन हुई आईडी ट्रांसफर नहीं होती, वो बैन ही रहती है अगर परमानेंट होती है तो। पहले तो गाइस प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, एंड सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब गाइस पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ खिलाड़ी अड्डा ऐप के बारे में, जिसमें आप BGMI खेल के हजारों रुपीज अर्न कर सकते हो, मतलब गेमिंग के साथ अर्निंग भी। और खिलाड़ी अड्डा हर मंथ 500 से ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहा है, जिसमें पबजी लाइट, न्यू स्टेट मोबाइल के साथ साथ TDM के मैचेस भी खेल सकते हो। खिलाड़ी अड्डा में मेरा सबसे फेवरेट उल्टा पुल्टा बैटल है, जिसमें सबसे पहले मरने वाले को सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है। और इस ऐप की सबसे खास बात है कि आप किसको भी अपने पर्सनल प्रोमो कोड से रेफरल करते हो तो गाइस आपको 2% का लाइफ टाइम का बोनस मिलने वाला है। तो गाइस जल्दी जाओ BGMI खेलो और पैसा कमाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और हाँ, मेरा रेफरल कोड Free20 यूज करोगे तो आप पहला मैच बिल्कुल फ्री में खेल पाओगे। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी ही देता हूँ, भाई जियो के साथ का क्या कनेक्शन है और भाई क्या कंफर्मेशन होती है कि जियो के साथ ये पार्टनरशिप होने वाली है। और गाइस जैसे कि मैंने ही आपको कहा था, अगर भाई साहब जियो के साथ कोलैब होता है, जियो उसका पब्लिशर बनता है BGMI का, तो फ्यूचर में इंडिया के अंदर भाई डेटा शेयरिंग के कारण कभी BGMI बैन नहीं हो सकता। और यार जिससे कि आपको पता है बैन होने का मेन रीजन यही होता है डेटा शेयरिंग 69A। और सभी जो कंट्रीज के वर्जन है, ताइवान, वियतनाम वगैरह, तो उनके अंदर उनकी ही कंट्री का पब्लिशर रखा गया है। तो भाई इस बार जियो के बहुत ज्यादा चांसेस, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जियो गेम्स एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसके बहुत ही सारे गेम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं। एंड उसी के अलावा गाइस अब ये चीज देखो, जियो गेम्स ने अभी अभी एक बड़ा इवेंट रखा था, 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चला था और इसमें बहुत ही सारी गेम इन्वॉल्व थी। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि COD, वॉरजोन, वैलोरेंट और एक भाई फेमस गेम है FIFA, बहुत ही सही गेम है। एंड उसी के अलावा एपेक्स लेजेंड मोबाइल और COD मोबाइल, ठीक है। अब गाइस इन गेम को मतलब इसमें ऐड किया गया था, इनके टूर्नामेंट वगैरह सेट किए गए थे, ठीक है, और ये 4 दिन तक इवेंट चला था जियो की ही साइड से। अब गाइस यहाँ पे सीधी सी बात है, BGMI ना होने का रीजन क्योंकि अभी फिलहाल वो बैन है और इसके अभी टूर्नामेंट इंडिया के अंदर तो भाई बहुत ही ज्यादा कम है जो बड़े लेवल पे होते थे वो। तो इस रीजन के कारण यहाँ पे जियो वालों ने इस कैंपेन के अंदर BGMI को ऐड नहीं किया है, ठीक है। बाकी यार BGMI बड़ा गेम है भाई, अनबैन होता तो सीधी सी बात है यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको दूसरा पोस्ट दिखाता हूँ, जिसमें गाइस यहाँ पे देखो GodLike का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है भाई, जिसपे बहुत ही अच्छे फॉलोवर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइड है बिल्कुल। अब गाइस उन्होंने 4 दिन पहले या फिर भाई मतलब 3 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट अपलोड की थी, जो मतलब COD का जो टूर्नामेंट रखा गया था ना जियो की साइड से, तो यहाँ पे GodLike के ही कुछ प्लेयर्स है जो COD प्ले करते हैं, तो भाई COD का टूर्नामेंट में उन्होंने विन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सा क्लियर मेंशन किया हुआ है। और गाइस ये वही इवेंट आप पूरा ऊपर देख सकते हो, जियो गेम्स जियो और प्ले द फ्यूचर करके उनका एक इवेंट था जो मैंने आपको अभी दिखा, जियो गेम्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी वो अपलोड है, ठीक है। तो वो कैंपेन था जिसमें COD में ये लोगों ने विन किया है GodLike वालों ने। एंड गाइस नीचे कैप्शन में मेंशन किया है स्काई स्पोर्ट को, और जिसके आपको पता है स्काई स्पोर्ट का CEO एंड फाउंडर जो शिवानंदी करके है, जिसे आप जानते ही हैं, जिसके अपडेट बहुत सारे मैंने ही दिए हैं, तो गाइस उन्होंने ही अपन को भाई एक हिंट दिया था BGMI कोलैब साथ में कोई भी इंडियन टेलीकॉम कंपनी, और कौन हो सकती है उसका तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया था, ठीक है। बाकी आई थिंक अभी तक तो जियो के साथ 100% की बात है कोलैब हो ही चुका होगा, भाई ये चीज कंफर्म नहीं है, मैं तुक्का लगा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यार बहुत ही साइड से अपन को ये कंफर्म होता दिखा है कि भाई जियो का इंटरेस्ट तो है इन चीजों में, ठीक है। यार यहाँ पे बड़े बड़े ये यहाँ पे आपने देखा कि टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करा रहा है, और यार जैसे कि मैंने ही आपको पोस्ट दिखाया था कि कब का मुकेश अंबानी ने जो जियो का फाउंडर है उन्होंने ही ये बोला था कि गेमिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाली है, जो क्रिकेट है, जो मूवीज वगैरह है, इनसे भी
आगे जाने वाली है, तो सीधी सी बात है उनका इसमें इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट रहेगा। और यही चीज अपन को जियो गेम्स में ये टूर्नामेंट प्ले द फ्यूचर करके रखा रहे हैं और बहुत सारी दूसरी भी गेम के साथ उनका मतलब पार्टनरशिप है, तो ये तो चीज अपन को सीधा से यहाँ पे ही दिख जाता है। और यार आप ही सोचो, बीजीएमआई बैन हुआ है, कोई भी इंडियन पब्लिशर इसका नहीं है, ठीक है, इसके ही रीजन के कारण, और डेटा शेयरिंग वगैरह हो ही रही थी उसके ही कारण बैन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अभी नीड है इंडियन पब्लिशर की। और गाइस आप ही सोचो भाई, इंडियन पब्लिशर की बात आई तो इतना बड़ा जियो गेम्स का प्लेटफॉर्म है, तो सीधा सा क्राफ्टन तो वहीं सोचेगा कि जियो मतलब गेम्स के साथ ही कोलैब किया जाए। और भाई जियो का नाम भाई काफी है, ठीक है। और भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ इसी न्यूज की कि कब ये कंफर्म हो कि जियो के साथ कोलैब हो चुका है और जियो बीजीएमआई का पब्लिशर होने वाला है। अब गाइस आप ही सोचो, अगर इस बार जियो पब्लिशर बनता है भाई, इंडियन कंपनी होने वाली है, ये चीज कंफर्म है। तो कुल मिलाकर मेरा सीधा से कहने का मतलब है कि जियो के साथ कोलैब होता है तो भाई बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएगा बीजीएमआई, मतलब बैन तो नहीं हो सकता, ठीक है, इस रीजन डेटा शेयरिंग वगैरह कारण। बाकी वायलेंस वगैरह तो दूसरी भी गेमों में आप सोच सकते हो। और गाइस इसके बारे में अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज वगैरह आती है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पे बताने वाला हूँ, इसलिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ठीक है। एंड गाइस बीजीएमआई कब तक आ सकता है एंड अभी क्राफ्टन वगैरह कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं दे रहा है, इसका मेन गाइस यहाँ पे आप देखो, ये पोस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो और ध्यान से देखना, सभी चीजें अपन की क्लियर हो जाने वाली है। और गाइस सबसे पहले तो ये पीयूष स्पैरो जो भाई एक बीजीएमआई का फेमस कास्टर है, ठीक है, उन्होंने इस चीज को सब कुछ कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि बीजीएमआई का बैन का रीजन और मतलब डेटा शेयरिंग वगैरह हो रही थी वही रीजन है, एक्ट के बारे में उन्होंने बात की है किस एक्ट के तहत वो बैन हुआ है। एंड उसी के अलावा जैसे कि आपको पता है क्राफ्टन अपन को कोई भी अपडेट वगैरह नहीं दे रहा है, तो भाई उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली गाइस गवर्नमेंट ने ही मना किया है इसके बारे में कोई भी पब्लिकली वो शेयर ना करे, इस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसी के अलावा इन्होंने बीजीएमआई रिलीज के बारे में बात की है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर का भी यहाँ से भी अपन को कंफर्म होता है, मतलब कंफर्म तो नहीं है बट ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर के बहुत ही ज्यादा चांस है और वो भी इसी के ही साथ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हर जगह से अपन को दिसंबर ही दिसंबर सुनने को आ रहा है। तो गाइस लेट्स सी इसके बारे में अगर कोई भी वगैरह अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे बता दूंगा। मैं भी गाइस वेट कर रहा हूँ आपों की तरह, ठीक है, क्योंकि यार किसी को अभी तक कंफर्मली कुछ भी नहीं पता है। गवर्नमेंट ने इस चीज के बारे में मना किया है क्राफ्टन को कि इसके बारे में किसी को भी कुछ शेयर ना करें। एंड उसी के अलावा गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे भाई, बीजीएमआई के अंदर अभी जो भी बंदे खेल रहे हैं भाई, बहुत लोगों ने तो छोड़ दिए बीजीएमआई खेलना, बट जो भी लोग खेल रहे हैं तो उनका अकाउंट गाइस एक दो दिन के लिए बैन हो रहा है। और गाइस बैन हो रहा है बट उसका रीजन कुछ भी नहीं भाई, वायलेंस वगैरह हैक भाई कोई भी यूज नहीं कर रहा भाई, ऐसे ही कई सारे नॉर्मल प्लेयर हैं जिनके मेल्स वगैरह हैं कि भाई कोई भी हैक वगैरह यूज नहीं किया है, फिर भी बीजीएमआई अकाउंट्स भाई ब्लॉक कर रहा है एक दो दिन के लिए। अब गाइस ये बीजीएमआई जो एंटी चीट वगैरह जो चलाता है, जैसे कि आपको पता है उनका एंटी चीट कैसे काम करता है, बट यार अभी उसमें ही कुछ चीजें फॉल्ट हुई है, मतलब क्राफ्टन का फोकस अभी फिलहाल गेम के ऊपर तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें वर्क कर रही है आई थिंक, जहां तक मेरे को लगता है, बाकी यही सीन रहेगा। अब गाइस कुल मिलाकर आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है इस सिचुएशन में, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे अगर आप खेल रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको कहां पर भी लगता है कि भाई अपन की गेम के अंदर हैकर वगैरह है, तो गाइस आपको तुरंत वो गेम एग्जिट मारना पड़ेगा। या फिर आप रैंडम बंदों के साथ खेल रहे हो और अपना टीममेट से हैक करके आया है, तो गाइस तब तो भाई निपट ही लो भाई, पूरा एग्जिट ही कर दो गेम को, क्योंकि यार यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली ये सिस्टम काम कर रहा है, क्राफ्टन का तो फोकस नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कारण ये सब लोचा लग रहा है, ठीक है। तो यार आपको इस चीज में रिस्क नहीं लेने का, ठीक है, मतलब एग्जिट कर ही देने का, ठीक है। वैसे भी टीयर वगैरह इस बार मायने नहीं रखने वाले हैं इतने। बाकी तो गाइस आज की इस वॉलीवुड में यही था। और यार अगर आपको नहीं पता कि मंथ 16 का आरपी बीजीएमआई के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, और भाई आरपी रिवॉर्ड्स नहीं देखे, तो जो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है उस पर टैप करो, देखो, एंजॉय करो। तुम्हारा भाई तुमसे मिलता है यार नेक्स्ट वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस।